हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेड विथ मेडिसिन। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियोस में मैं कुछ शेयर करूंगी, जस्ट लाइक कुछ आइडियाज़ टू लर्न एंड रिमेंबर द टॉपिक्स फास्ट एंड क्विक। तो आज हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। हमें पता है टोटल हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। बेसिकली हम इसके अंदर तीन चीज़ें देखेंगे। फर्स्टली तो उनका नाम, जितनी भी क्रेनियल नर्व्स 12 हैं टोटल, तो उनके नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उनका नेचर क्या है, वो सेंसरी हैं या फिर मोटर हैं या फिर दोनों तरह के, यानी बोथ मिक्स। थर्ड हम बात करेंगे उनके फंक्शंस की, कि किस नर्व का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें उनका नाम याद करने के लिए, 12 हैं तो 12 का नाम याद करने के लिए हमें कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? ओनली वन ऑफ द टीचर आस्क फील्स वेरी गुड। वाह, ठीक है। ओनली वन ऑफ द टीचर आस्क फील्स वेरी गुड। वाह वाह तो हम ऐड कर ही देंगे लास्ट में। सिर्फ एक ही टीचर ने पूछा, बहुत अच्छा लगा, वाह। तो इसी को देखते हुए हम इन नर्व्स को याद करते हैं, ठीक है। अब बात आई कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पहले तीन ओ हैं, लेकिन क्या पता लगेगा कि सबसे पहले ऑल्फैक्ट्री आएगी, ऑप्टिक भी तो आ सकती है। तो इन तीनों में कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे याद करते हैं। हमें पता है हमारा नोज़ एक ही है, ठीक है, एक ही नाक हमारे पास। तो सबसे पहले एक ही नाक है तो ऑल्फैक्ट्री आ गया। हमें पता है कि हमारे पास दो आँख हैं, आइज हमारी दो हैं, तो आ गया ऑप्टिक। थर्ड हमें पता ही है, अगर ये दो आ गए तो फिर बचा कौन, ओकुलोमोटर। फिर है 4-5 ट्रॉकलियर ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस। फिर फील्स वेरी गुड में फेशियल वेस्टिबुलो कॉकलियर। अब आप बोलोगे कि वेस्टिबुलो कॉकलियर को हम ऑडिटरी भी बोलते हैं, तो इसको हम ऑडिटरी भी बुला सकते हैं। फिर हमारा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। हो गई 12, नाम याद हो गया। ओनली वन ऑफ द टीचर आस्क, यहाँ तक फील्स वेरी गुड, वाह, नाम याद हो गए। हम देखेंगे इनका नेचर, कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है या फिर कौन सी मिक्स वाली है। उसके लिए भी हमने अलग से ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक क्या है, इधर है। सम से मम्मी मम्मी बट माई ब्रदर से बिग बिजनेस मैटर मोर। कुछ बोलते हैं मम्मी मम्मी, लेकिन मेरा भाई बोलता है बिग बिजनेस मैटर मोर। अब देख लो यार, याद कर लो, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको याद हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि कौन कौन सी सेंसरी हैं, कौन कौन सी मोटर और कौन कौन सी मिक्स वाली हैं। ऐसे हमें पता लग रहा है सारी सेंसरी वाली बी, जो इसमें बी आ रहे हैं, ये बी जो बी आ रहे हैं वो है बोथ। बोथ यानी कि जो सेंसरी की तरह भी काम कर रही है और मोटर की तरह भी काम कर रही है। फिर एम से हो गया हमारा मोटर, SBM, ये कोई क्रेडिट कार्ड और बैंक नहीं है, फिर भी याद कर लो, SBM बैंक। तो टाइप ऑफ नर्व भी याद होगी कि किस तरह की हैं। बात करते हैं उनके फंक्शन की। फंक्शन सबसे पहले हमारा ऑल्फैक्ट्री, काम क्या है, स्मेल करना, ठीक है। ऑप्टिक, विजन देखने के लिए। ओक्युलोमोटर, आईज का मूवमेंट। ट्रॉकलियर, ये भी आई का मूवमेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल, मतलब वर्टिकली मूवमेंट, अपवार्ड, ऊपर की तरफ देखते हुए। ट्राइजेमिनल, अब हमें पता है ट्राइजेमिनल बोथ वाली है, तो बोथ वाली है तो इसमें सेंसरी भी फंक्शन होगा, इसका मोटर भी होगा। सेंसरी ट्राइजेमिनल का क्या फंक्शन है, सेंसेशन के लिए, ठीक है। और किस किस चीज़ का सेंसेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी फेशियल एक्सप्रेशन। सेंसेशन इन द सेंस, जस्ट लाइक मान लो कि तुम्हें थप्पड़ पड़ गया, कुछ भी गर्म वगैरह लग रहा है तुम्हारे फेस पे, तो वो सेंस होता है ना, मैं तो वो वाला सेंसेशन, तो वो सेंसरी करता है। और जो एक्सप्रेशंस होते हैं तुम्हारे चेहरे के, कभी स्माइल, कभी एंग्री, कभी सैड, तो वो एक्सप्रेशन मोटर वाले हैं, ठीक है। फिर 6 नंबर पे है हमारा एब्ड्यूसेंस, ये भी आई मूवमेंट है, लेकिन ये वाला जो आई मूवमेंट है वो आपका लेटरल वाला है, ठीक है, मतलब साइड, आजू बाजू में देखना। फिर हमारा फेशियल, नाम से ही पता लग रहा है, फेस से रिलेटेड ही कुछ कुछ होगा ना।
ये भी बोथ है। सेंसरी जो है वो हमारा टेस्ट के लिए है, मोटर जो है वो एक्सप्रेशन के लिए है। दोनों में देख लो, इसमें भी मोटर एक्सप्रेशन के लिए था, इसमें भी मोटर एक्सप्रेशन के लिए है। तो ये दोनों हो गया। फिर हमारा आता है वेस्टिबुलो कॉकलियर, यानी ऑडिटरी वाला भी। ऑडिटरी में क्या है, इसका फंक्शन है हियरिंग प्लस बैलेंस भी करता है। ग्लोसोफेरिंजियल, दोनों बोथ आ गया ना। तो टेस्ट है सेंसरी में और मोटर में है इसका स्वेलोइंग, स्वेलो करना फूड को। जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है उसके जो सेंसरी वाला है वो टेस्ट के लिए होगा और मोटर स्वेलोइंग। फिर हम बात करते हैं वेगस की। नो, वेगस जो है हमारी सबसे बड़ी नर्व है, लार्जेस्ट नर्व। अब बोलोगे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो जो ट्रॉकलियर है वो स्मॉलेस्ट है और जो वेगस है वो लार्जेस्ट नर्व है, ठीक है। तो वेगस का भी वही बोथ है, तो सेंसरी और मोटर दोनों हैं। अब सेंसरी में क्या है, सेंसेशन इन थ्रोट और विसरल मसल्स। मोटर का जो है इसमें फंक्शन है वोकल कॉर्ड्स, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, और दूसरा है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है ना जब हम फूड निगलते हैं, तो उससे हम प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो ये है पेरिस्टाल्सिस और वोकल कॉर्ड्स, इसके मोटर में आ गए, किसके, वेगस के। फिर हम 11th पे बात करते हैं एक्सेसरी। एक्सेसरी का काम क्या है, हेड और शोल्डर का मूवमेंट, ठीक है, और मोटर है। फिर लास्ट है हमारी हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है यार, हाइपोग्लोसल, टंग मूवमेंट, ठीक है, ये भी मोटर है। तो इतना ही था इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इनके नाम हैं याद करने, वो पता लग गया, यहाँ दे रखा है सारा, ठीक है, नाम वाला। फिर इसके जो कौन सी है, सेंसरी है कि मोटर है कि मिक्स वाली है, तो ये वाली ट्रिक याद कर लेना। फंक्शन हमें ज़्यादा कुछ इसमें याद करने का है नहीं, नाम में ही पता लग जाता है कि क्या फंक्शन है। बस इतना याद रखना, जो ये फर्स्ट में आप तीनों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो मूज़ नाक हमारी एक ही है, तो सबसे पहले वही आएगी, तो नाक से ऑल्फैक्ट्री। फिर दूसरी आँख है हमारी, मतलब दो आँख हैं, तो ऑप्टिक आ गया। फिर बचा हुआ ऑक्युलो मोटर है ही, ठीक है। तो इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।